सो हेलो एवरी वन आई होप यू आल आर डूइंग वेरी गुड और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आई विल ट्राई टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट नीरली सेवन टू एट मिनट्स का यह वीडियो होगा एंड uh, थोड़ा सा आप ध्यान यह देंगे काफ़ी ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट हो गया है इन इंडिया यू नो दैट जॉब इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट टू सस्टेनेबल जॉब सस्टेनेबल जॉब मतलब यह है कि एटलीस्ट पंद्रह से दस से पंद्रह साल आपको कोई जॉब से वहाँ हटा नहीं रहा है ठीक ठाक सैलरी है सिक्स डिजिट कंसिस्टेंटली मंथली इनकम हो रही है डिजिटल मैंने लिख दिया सिक्स डिजिट होगा ठीक है इनकम हो रही है तो इन मद्देनजर रखते हुए आज का वीडियो हमारा रहेगा जो पीजी में अभी आप एडमिशन लिए हैं या वीडियो दोनों के लिए रहेगा जो सी यू टी टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पीजी फर्स्ट ईयर में है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ठीक है या फिर जो जो पीजी पास होंगे टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव में या टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स में तो गै जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं खासकर सी यू टी पी जी के या फिर जो पीजी में भी एडमिशन ले हैं, 2025, 2026, लिए हैं एंड हु कम्प्लीटिंग पी जी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स यह वीडियो उनके लिए है क्योंकि काफ़ी वो डायलमा में होते हैं कि आखिर मैं क्या करूँ कौन सा जॉब करूँ कौन सा करियर मेरे लिए सही रहेगा आई विल बी गिविंग यू वेरी ऑनेस्ट एडवाइस वेरी वेरी ऑनेस्ट एडवाइस मैं आपको कोई नहीं बोलूँगा ये नहीं बोलूंगा कि आप इसकी प्रिपरेशन करो उसकी प्रिपरेशन करो ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो नो प्लीज़ पे अटेंशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली दिस टॉक विल बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स लास्ट फाइव सिक्स ईयर्स का एक्सपीरियंस है दो आई एस इंटरव्यू लिखा हूँ दो बार जे आर एफ निकाला हूँ आई ए एस ऑप्शनल लिखा हूँ एंड लास्ट तीन चार सालों से मैं सी यू टी वगैरह या फिर सीनियर जे आर एफ वगैरह को पढ़ा रहा हूँ दिस टाइम वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड डी पी आर आई ए एस ऑप्शनल आई ए एस कोर्सेज तो इन सब के बावजूद जो भी मेरा खुद का नॉलेज है एंड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स आई है कॉर्पोरेट और वो कॉर्पोरेट क्यों छोड़ रहे हैं मैनी पीपल आर लिविंग कॉर्पोरेट और फिर वो आके पी एच डी ज्वाइन कर रहे हैं क्या करे फ्यूचर में तो प्रॉपर जो फ्यूचर्स का आपका गोल आता है आफ्टर पी जी और आफ्टर ग्रेजुएशन ब्रॉडरली देखोगे दो गोल है ब्रॉडरली एक है आप गवर्नमेंट में रहोगे गवर्नमेंट में रहोगे या तो एकेडमिक्स में पढ़ाई करोगे कोई भी यूनिवर्सिटी में या फिर जॉब करोगे एक तो यह है दूसरा जो ब्रॉडर जॉब है एम एनसीज एम एनसीज ठीक है और एक तीसरा ब्रॉडर आ गया है जो कि मेरा है आई वुड से अपना खुद का बिजनेस हो स्टार्टअप हो एडुटेक हो कुछ भी हो कुछ भी करो आप डांस कर रहे हो रील्स बना रहे हो कुछ भी करो एनी थिंग ऑन बिजनेस ये थर्ड काइंड ऑफ थिंग्स लास्ट दो से तीन साल में उभर के आया है डेफिनेटली देर इज ए लॉट्स ऑफ फ्रीडम गुड अमाउंट ऑफ मनी गुड अमाउंट ऑफ पीस इज देयर नो डाउट एज कम्पेयर टू एम एन सी एंड ऑल बट वाट अबाउट गवर्मेंट जॉब अकेडेमिक्स एंड ऑल तो हम इन तीनों चीज़ों पर काफी अच्छे से बात करेंगे दो दो मिनट में अच्छे से रखूंगा और आपको क्या करना चाहिए पी जी वालों के लिए जो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए देखिए कोई भी काम करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थींग होता है कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कुछ भी करो आप कोई भी एग्जाम निकालो या कुछ भी कंटेंट करो या जो भी चलो मैं आप पढ़ा रहा हूँ मैं आपको नवीनोमिक्स मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ ठीक है मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है आप बोलोगे सर आपकी थोड़ी नौकरी नहीं लगेगी सर आपकी तो जॉब नहीं लगी नहीं लगी बट एट द ट्राई टू अंडरस्टैंड आई विल बी वेरी ले मैन आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट बट कैपेबिलिटी आई हैव बिल्ड ओवर थ्री फोर ईयर्स मैंने जो भी यू पी एस सी आई ई एस इन सबका प्रिपरेशन किया मैंने काफ़ी ऑनेस्ट प्रिपरेशन किया देर इज वेरी लिमिटेड सीट तो समटाइम्स क्या होता है जो आपके डी डे होते हैं जो दिन होता है उस दिन कभी कभी आपका नहीं होता है तो कुछ कुछ मार्क्स से एग्जाम रह जाता है दैट इज़ नॉट अ बिग डील इज देश बट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी बच्चे एग्जाम की कोशिश कर रहे हो एग्जाम इज वेरी वेरी गुड वाई बिकॉज वा इट इदा, इट योर कैपेबिलिटी तो मेरा ऑनेस्ट उनको एडवाइस रहेगा एक बार आई या आई ऑप्शनल या फिर आर बी का अच्छे से सिलेबस कवर कर लो और जब आप यह सिलेबस अच्छे से करोगे तो यू जी नेट इसी में कवर हो जाएगा इकोनॉमिक्स का सिलेबस साइड में पेपर वन थोड़ा सा देखें यू जी नेट का तो आपका फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए नेट अपकमिंग दिसंबर या जून में दो नेट एग्जाम अच्छे से दो क्योंकि आगे पीएचडी भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में ही होंगे कल होके हो आपको आई जी आई वगैरह में एडमिशन लेना हो जे में एडमिशन लेना हो नेक्स्ट ईयर ये जो है पीएचडी कंपलसरी कर देंगे पीएचडी में क्या है नेट आपका स्कोर कंसिडर किया जाएगा अगर आपका जे है तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आई में भी डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है तो नेट जी को हल्के में ना लें इसको निकाल के रखिए निकाल के रखने से क्या होगा आपको कैपेबिलिटी बिल्ड होगा आपको फील होगा कि आई हैव डन समथिंग और इसी के बदौलत जब आपका प्रिपरेशन लेवल थोड़ा बढ़ेगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आंसर इंटरेस्ट आएगा तो आई एग्जाम का आर एग्जाम का ये सब का प्रिपरेशन कर सकते हैं आर एग्जाम का पता है अभी जो पैकेज है थर्टी लैख ,00 प्लस है थर्टी लैख ,00 प्लस नियरली थर्टी फाइव प्लस है वन ईयर का नियरली वन पर मंथ सैलरी है इट्स अ वेरी गुड सैलरी वेरी बैलेंस्ड जॉब एज कम्पेयर टू एम एमएनसीज़ में काफी रिस्क अभी चल रहे हैं प्रॉब्लम ये है कि आपके प्लेसमेंट लगी ठीक है चलो प्लेसमेंट

कैपेबिलिटी में सिर्फ कोर्स खरीदना कोर्स खरीद के पढ़ लेना नहीं होता कैपेबिलिटी में मैं बताता तो हूँ क्या होता है ब्रॉडर देखिए सबसे ब्रॉडर होता है कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके पास ठीक ठाक कॉम्युनिक आई डोंट हैव दैट गुड और ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स बट आई एम समाट ओके आई हैव लर्न इट आई कैन कन्वे आई कैन टॉक ऑन एनी टॉपिक्स एंड ऑन और कम्युनिकेशन स्किल स्किल अच्छा करने के लिए आपको सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छा होना चाहिए अपने सब्जेक्ट पे तो सब्जेक्ट को स्ट्रॉग करो और कम्युनिकेशन को अच्छे करो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे ये नेट जी आर एफ

क्या आपको विदाउट एनी प्रेशर मज़ा आ रहा है मुझे जो अपना पैसन मुझे पता चला द जर्नी स्टार्टेड मेकिंग एजुकेशनल कंटेंट एंड यूट्यूब एक से दो साल पहले मुझे मज़ा आता था, था मैं रात के तीन बजे चार बजे तक काम करता था कंटिन्यूसली चार आवर पाँच आवर वीडियो एडिट करना अपलोड करना लोगों को बताना पढ़ाना इसे मुझे मजा आता था, था तो पैसन मुझे वहां पे मिल गया था ठीक है सिमिलरली फर्स्ट सेमेस्टर्स में आप क्या करो पैसन देखो आपको क्या आ रहा है उसके बाद कैपेबिलिटी पे काम करो अकॉर्डिंग टू पैसन काफ़ी ज्यादा मजा आएगा हाँ कैपेबिलिटी पे मैं बात कर रहा था तो कैपेबिलिटी में देखिए क्या हो अभी जो तीस डेज हैं बहुत से बच्चे बहुत से बच्चे ट्रेडर बन जा रहे हैं हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बट यू कैन लर्न दिस इज अ काइंड ऑफ कैपेबिलिटी स्टॉक मार्केट एनालिसिस एंड ऑल डेटा एनालिसिस ये सब आप इनहस करो एंड कैपेबिलिटी पे तभी काम करो जब उसमें आप पैसनेट लगे कुछ बच्चे पीएचडी में इंटरेस्टेड होंगे किस बच्चों को आर्टिकल लिखना ज़्यादा मजा होगा किन्हीं बच्चों को यूट्यूब का शौक होगा किन्हीं बच्चों को ब्लॉग बनाना होगा सो मैनी थिंग्स कैपेबिलिटी में सो मनी थिंग्स आ रहे हैं किन्हीं बच्चों को खुद का बिजनेस आइडिया होगा किन्हीं बच्चों को धंधा बनाना आता होगा स्टार्टअप एंड धंधा इज डिफरेंट अल्टीमेटली क्या होता है नियरली अगर आप अपना करियर 25 पे स्टार्ट कर रहे हो सपोज दैट 23 टू 25 मैक्सिमम एटलीस्ट सेवन एट ईयर्स थर्टी टू ईयर्स तक मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन दिस इज़ वेरी यू नो ऑन लेस डिस्कस्ड पॉइंट बट मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ हाई टाइम यू शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग वेल्थ क्रिएटिंग वेल्थ अभी कर लो क्योंकि एक टाइम के बाद क्या करोगे आप स्टक्क हो जाओगे ठीक है चलो आपको सपोज दैट ट्वेंटी फाइव पे नौकरी लग गई तो जिनकी नौकरी लग गई वो तो सिक्सटी ईयर्स तक टेंशन फ्री हो गए ना अब बट जिनकी प्राइवेट नौकरी लगी आपकी ट्वेंटी फाइव ईयर्स में नौकरी लगी और आपकी सपोज दैट टेन लाख की पैकेज लगी हाथ में तो वही सेवन लाख आएंगे सेवन लाख पर मंथ आओगे सॉरी पर ईयर लाओगे अगर आप फोर्टी परसेंट भी सेविंग करते हो तो थ्री लाख मैक्सिमम सेविंग होगा फोर्टी परसेंट सेविंग करना बड़ी बात होती है थ्री लाख भी सेविंग की अगर फाइव ईयर्स में भी तो कहाँ पंद्रह लाख रुपये बड़े शहर में पंद्रह लाख आप सेविंग करके कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाओगे सो ट्राई टू इनहांस कि मैं अधिक से अधिक इस टाइम पे वेल्थ कैसे जनरेट करूँ क्योंकि थर्टीज़ के बाद थर्टी टू थर्टी थ्री के बाद आपका फैमिली लाइफ हो जाता है राइट यू विल हैव योर ओन किड्स फैमिली एंड उन पर भी ध्यान देना होता है आपके हेल्थ पे ध्यान देना होगा राइट right? इस समय आप कुछ बड़ा करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा ट्राई टू अंडरस्टैंड वाट फ्रॉम द जनरल परसपेक्टिव आई एम टेलिंग यू एंड अल्टीमेट एम होता है आपको हैप्पी रहना हैप्पी रहने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका हेल्थ हेल्थ रहेगा तभी आप वेल्थ को एंजॉय करोगे और हेल्थ और वेल्थ अच्छा है तो आप फैमिली को भी टाइम दे पाओगे एंजॉय करोगे हेल्थ वेल्थ एंड फैमिली सो ये तीन चीज आपको क्रिएट करना है बाय थर्टी टू ईयर्स फाइव टू सेवन ईयर्स यू हैव नॉ इट्स अप टू यू हाउ यू थिंक हाउ यू बिकम ए गुड पर्सन हाउ यू बिकम ए गुड वेल्थ क्रिएटर हाउ यू बिकम ए गुड ऑफिसर इट्स ऑल अप टू यू और उसके लिए आपको एक चीज करना है कैपेबिलिटी और कैपेबिलिटी कहाँ से आएगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कम्युनिकेशन एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट के लिए आपको एटलीस्ट यू जी सी एट जी एफ आर बी आई डी पी आर आई एस इन सब के प्रिपरेशन करना चाहिए एक से दो साल प्रिपरेशन करोगे वाईल डूइंग पी जी इट सेल्फ यू विल हैव वेन एफ कॉन्फिडेंट टू एक्सेल इन एनी फील्ड ट्रस्ट फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस मैं इसलिए यह बार, बार बार बताता हूँ आई डोंट कम फ्रॉम डी एस सी

पर्सनल डाउट हो किसी प्रकार का करियर वाइज कन्फ्यूजन हो यू ऑलवेज फील फ्री टू टेक्स्ट मी एट दिस नंबर और यू कैन जस्ट ईमेल मी ई मेल यूजअली आई सी पर्सनली मैं देखता हूँ या टीम देखती है एंड किसी को लग रहा है कि नहीं सर मुझे नेट जे में हेल्प चाहिए या कोर्सेज वगैरह चाहिए कुछ भी चाहिए डू रीच आउट अस फॉर एनी डाउट लेक्चर्स देखना है सर डेमो दे दो ये दे दो कुछ भी कर दो फ्री डेमो ट्वेंटी प्लस फ्री डेमो दिया हुआ है लिंक नीचे दिया हुआ है और ऐप पर भी मिल जाएंगे नविनोमिक्स ऐप पर तो हमेशा टारगेट रखें कि मिनिमम जो है इन नेक्स्ट सेवन ईयर से एटलीस्ट एटलीस्ट यू हैव गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ जो वेल्थ कैसे देखिए जिनके पास जॉब लग गई सरकारी नौकरी लग गई वो तो बल्ले बल्ले हैं उनके लिए वेल्थ जनरेशन इज नॉट अ पार्ट क्योंकि नियरली वन लाख रुपीज़ हर मंथ आपको हर सर्विस में आएंगे चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ आरबीआई डी पी निकाले तो वन चाहे आई बन जाओ आई बन बो कुछ भी बन जाओ तो उनके लिए दैट इज नॉट अ बी ग्रीड बट पीपल हु आर लुकिंग फॉर एम एंड ऑल उनके लिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलो आप एम एन सी ज्वाइन भी किए ठीक है एम एन सी ज्वाइन भी किए तो हर कोई तो नहीं टूकेगा कोई दो साल में कोई पांच साल में कोई सात साल में उसको लीव करेगा क्योंकि तो वर्क लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करना इम्पॉटेंट होता है तो उनके लिए क्या उनके लिए वही कैपेबिलिटी काम आएगी अगर आप अच्छे टीचर हो अगर आप अच्छे एजुकेटर हो तो खुद का यूट्यूब खोल सकते हो खुद का बिजनेस कर सकते हो साइड में अगर आप पी टीचर बनना चाह रहे हो के वी वगैरह का तो यहाँ भी जॉब की बात हो गई ना वही मैं ब्रॉडरली बोलना चाह रहा हूँ दिस टाइम वर्ल्ड हैज़ कम्प्लीटली चेंज ब्रॉडरली तीन चीज़ें हो गई है एक हो गई है एकेडमिक्स एकेडमिक्स में क्या है पी कर लो पी कर लो पोस्ट डॉक कर लो पढ़ाई करते रहो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन जाओगे टेंशन फ्री एक हो गई है आई ए एस आई ई एस आर बी आई डी पी आर एंड ऑल ठीक है यह दोनों एक ही पार्ट है यह पढ़ाई से रिलेटेड है यह इसको हम एक मानूंगा सेकेंड पार्ट जो मैंने बोला है वह स्टार्टअप कल्चर चल गया है स्टार्टअप हो यूट्यूब रील्स बना रहे हो कुछ भी हो छपरी ही हो लोग आपको गाली देंगे नो प्रॉब्लम यू बी छपरी बट यू आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी यू हैव गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स यू हैव ऑल फ्रीडम तो एक स्टार्टअप कल्चर आप मान सकते और थर्ड जो आती है जो उसको कि मैं सबसे नीचे मानता हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मिडिल क्लास पॉइंट ऑफ व्यू एम जॉब का आप ऑप्शन आप थर्ड प्रायरिटी पर रखो दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग मैं क्योंकि यहाँ से आपकी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगी कैपेबिलिटी आपकी यहाँ से बढ़ेगी और हाँ जॉब के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है रिक्वायर्ड स्किल्स जो भी मार्केट में जरूरत है चाहे भी कोई पाइथन सीख रहा होगा कोई पावर वी आई सीख रहा होगा दो साल चार साल बाद जब आप मास्टर्स कंप्लीट कर रहे होगे हो सकता है खुदा ना करे यह सब आपके कोई काम नहीं आए सब कुछ ए आई के अब हाथों चढ़ जाएगी तो आपकी जो इंप्लाइबिलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगी फॉर श्योर तो क्यों ना मैं अपने कैपेबिलिटी पर ध्यान दे के रखूँ बट इन फ्यूचर यह पता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक्सपेंसन होगा एकेडमिक्स तो हमेशा आपके लिए खुला रहेगा ऐसी बात तो नहीं है कि कल होकर असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी रुक जाएगी ऐसी बात तो नहीं है कल हो कि के जीरो ब्यूरोक्रेट्स ब्रेक। ब्रेक। रहेंगे ऐसी बात तो नहीं है राइट सो सम पर्सन सम अमाउंट ऑफ पर्सन इज डेफिनेटली नीडेड तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक सिक्योर गारंटी कर लूँ एंड कौन यह कह रहा है कि बिना डिजिटल अब तो चलेगा नहीं तो क्यों नहीं मैं डिजिटल फुटप्रिंट भी बढ़ाऊँ होल वर्ल्ड इज रनिंग ऑन द डिजिटल इकॉनॉमी मैं इन लेटेस्ट मैं लेके आऊँगा रिपोर्ट कि कितना बड़ा डिजिटल इकोनॉमी है और हमारा और इसके फ्यूचर्स क्या क्या हैं ठीक है सो आई होप कि दिस वीडियो विल बी रियली एन आई ओपनिंग ठीक है सो होप टू मीट यू इन द क्लास एंड रिगार्डिंग एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली मेल अस और कॉल अस एट द गिवन नंबर और इंस्टाग्राम पे आप लोग एक बार फॉलो कर लीजिएगा समटाइम्स आई कैन नॉट अपलोड वीडियोज तो टेलीग्राम के मैंने लिंक डाल दिए ठीक है टेलीग्राम लिंक इज गिवेन बिलो सो बस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी अपडेट होंगे देर आई विल भी अपलोडिंग ओके चलो गाइस बाय बाय टेक केयर इट्स टाइम टू रीथिंक एक बार आप रीथिंक करो एंड जस्ट सोचो कि वाट एवर आई सेड इन लास्ट टेन टू ट्वेल्व मिनट्स Is it worth it or not? Or uh, if you really disagree, so put a comment, Ki, sir. I disagree on this point so that I could also rethink. Okay, shall you guys? Bye bye, take care, wish you the best. <laughs>